हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 आईसीएसई की लेसन नंबर 5 द नेक्स्ट वॉइस यू हियर। यहाँ पे ये लेसन में सब अजीब गरीब चीज़ें होती है। यहाँ पे पहले रेडियो पे मैसेजेस आते हैं कि यहाँ पे कंसिक्वेंटली 6 मैसेजेस यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये कौन करता है वो हम लोग लेसन में देखेंगे। पहले वो रेडियो से मैसेजेस करता है, फिर ऑरेंज के दीवार पे पूरी मैसेजेस बन जाती है। वैसे करके अलग अलग टाइप के मैसेज क्रिएटेड होते हैं ये लेसन्स के अंदर, और सब लोग बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं। अर्थ का थोड़ा सा डिस्ट्रक्शंस भी हो जाता है पूरे लेसन्स में। ये देखेंगे ये पूरा कौन करता है और इसके पीछे क्या रीजन्स है। ऐसा माना जाता है कि जब भी अर्थ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ही डिस्ट्रक्शन में हो, तब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें रियलाइज़ करवाती है कि हमें चीज़ों को कैसे करना चाहिए। और ये हम लोग थ्रू आउट दी लेसन्स में देखेंगे। लेकिन ये जो क्रिएटर है, ये सब चीज़ें कौन करवाता है, वो हम लोग लेसन्स में देखेंगे। At exactly 9:38 PM on the first Monday in the March, the strange majestic voice was the first heard over the airwaves. यहाँ पे 9:38 PM बताया हुआ है, जो मार्च के मंडे, पहले मंडे जो होता है, वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी हुई थी एयरवेव्स से, हवा में से। जस्ट वाई दैट डे एंड आवर वो चूजन नोबडी कैन से। वो दिन ही क्यों ये आवाज़ सुनाई दी किसी को नहीं पता था। इन एनी इवेंट इमीडिएट रिएक्शंस वॉज डिसबिलीव। सबको ऐसे डिसबिलीव जैसा रिएक्शंस आया सब में, सब ऐसे घबरा गए थे और अलग अलग बातें बनाने लगे थे। पीपल सिंपली कुड नॉट बिलीव देयर ओन ईयर्स। लोग सिंपली बिलीव नहीं कर रहे थे अपने कानों पे कि ये उन्होंने ये क्या सुना। फ्लोयर्ड उफेलमन ऑफ एन डॉलर्स टाउन USA वॉज डाउन इन एन सेलर प्लेइंग विद हिज सन लेमन्स इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स एंड फॉलोइंग अ क्विज प्रोग्राम्स ऑन हिज पोर्टेबल रेडियो। यहाँ पे एक पर्सन का नाम बताया है USA में जो डॉलर्स टाउन में रहता है। वो अपने बेटे लेमन के साथ इलेक्ट्रिकल ट्रेन खेल रहे थे और एक साइड पे पोर्टेबल रेडियो में क्विज प्रोग्राम सुन रहे थे। सडनली द प्रोग्राम फेडेड आउट एंड द वॉइस डिप जेंटल्स बिनेवोलेंस फर्स्ट फॉर्म। और सडनली वो जो प्रोग्राम था वो बंद हो गया और उसमें से एकदम डीप और एकदम बड़ी सी आवाज़ आने लगी, फॉर्म आवाज़ आने लगी। दिस इज द गॉड, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। अ प्लान ऑफ द क्रिएशंस ऑर्ड बाय द राइट्स टू गो फॉरवर्ड अंडर इट्स ओन रूलर, बट Dear children of the sun's third planet are so near to the destroying yourself, I must step in. I shall spend this week with you. यहाँ पे गॉड आते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, लेकिन ये जो प्लान है क्रिएशन का तुम लोग का, ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देने का। और ओ डियर चिल्ड्रंस, जो तुम सन के थर्ड प्लानट हो, थर्ड बेटे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय होने वाले हो तुम लोग अपने आप को, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए स्टेप इन करा हूँ। यहाँ पे मैं बताने आया हूँ कि तुम लोग ख़त्म होने वाले हो, सो मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीक में पूरा तुम्हारे साथ रहूँगा। फ्लोयर स्टूड फॉर द मोमेंट गैपिंग। फ्लोयर थोड़ा सरप्राइज हो गया एक मोमेंट के लिए कि मैंने क्या सुना। आई एम श्योर द लेमन सेट अप द माइक्रोफोन्स इन हिज रूम। उसको लगा लेमन्स ने शायद माइक्रोफोन्स खुले ही छोड़ दिए होंगे रूम में, इसलिए उसमें से आवाज़ आ रही होगी। ही क्लाइम टू द सन्स रूम, और वो सन के रूम में गया। लेमन वॉज सिटिंग विद वन फुट इन हिज हैंड, और वो लेमन एक ही पैर पे ऐसे बैठा हुआ था। एग्नोशिंग्स ओवर द एरिथमेटिक प्रॉब्लम, और वो एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर रहा था, मैथ्स की प्रॉब्लम। सो पापा ने बोला व्हाट डिड यू डू टू द रेडियो। सो यहाँ पे पापा ने बोला कि तुमने रेडियो के साथ क्या किया। तो बॉय सेड मी नथिंग, इट इज़ ब्रोकन, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो टूटा हुआ है। फ्लोयर वॉज डीपली पजल कि टूटे हुए में से आवाज़, सो और ज़्यादा पजल हो गया। ही वेंट टू द नेक्स्ट डोर ऑफ हिज नेबर जिनी हुकेल्स। वो अपने नेबर के पास गया। फ्लोयर सेड जिनी वर यू लिसनिंग टू द क्विज शोज जस्ट नाउ, तो क्विज शो सुन रही थी क्या अभी। सो जिनी ने बोला नो। लक्स रेडियो थिएटर का, नहीं मैंने नहीं सुना। देन आई गैस यू वुडन हैव हियर्ड इट। फ्लोयर ने बोला तो ठीक है, तू शायद नहीं सुन रही होगी। और ही वॉज वेरी कन्फ्यूज। सेड डिड यू हियर्ड इट टू, आस्क जेन इन एन एस्टोमेट्स। जैन ने पूछा कि तुमने भी वही सुना जो आजकल सब लोग सुन रहे हैं। वॉजन दैट मोस्ट पेक्यूलर, ऐसा नहीं है वो पर्टिकुलरली वही चीज़ें सबको सुनाई दे रही है। दोस्टाउंस वॉज नॉट ओनली टाउन डेट फेल वंडरमेंट, ऐसे भगवान की आवाज़ सिर्फ वही डोस्टाउंस में नहीं सुनाई दे रही थी। By morning, the news reports from the Europe, Asia, Africa, South America, Australia were in, and it was a public knowledge that the broadcast had been worldwide and the multilingually. सारी अलग अलग लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअली मीन्स अलग अलग लैंग्वेज में सुनाई दे रहा था। और सुबह तक के न्यूज़पेपर में हर जगह पर सुनाई देने वाली भगवान की आवाज़ अलग अलग लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट हो रही थी, और हर दुनिया के हर हिस्सों में से ये न्यूज़ आ रही थी। अरब हियर्स द अनाउंसमेंट इन द अरबिक, साउथ अफ्रीकन ट्राइबल्स मैन इन दैन शियान रोंगन डायलैक्ट, मतलब सब अपने अपने लैंग्वेज में वो मैसेज सुन रहे थे। अरबिक में सुन रहे थे, साउथ अफ्रीकन सी रोंगा जो उनकी डायलैक्ट है, जो उनकी लैंग्वेज है, उसमें सुन रहे थे। What do you think of it? One man would ask another. एक man दूसरे man को पूछ रहा था कि तुझे क्या लगता है ये क्या होगा। Never were the humble words, I don't know.
स्पोकन ऑफ्टन देन द फर्स्ट ट्यूजडे इन द मार्च. और दोनों एक दूसरे को बोलने लगे कि पता नहीं क्या होगा, ये क्या है, वी डोंट नो. और वापस से वही सेम आवाज़ फर्स्ट ट्यूजडे मार्च के सुनाई दी. दैट मीन्स फर्स्ट मार्च को, मार्च के महीने में पहले वो मंडे को सुनाई दी और फिर नेक्स्ट में वो मार्च के फर्स्ट ट्यूजडे को सुनाई दी. द सन वेंट डाउन, सन डूबने को था बाई 8, रात के 8 बजे थे. द एमीमीटर्स ऑफ द पावर स्टेशन वर रजिस्टर इंक्रीजिंग लोड, टेम्परेचर बढ़ रहा था, रात होने को और टेम्परेचर बढ़ रहा था. नॉर्मल लिसनर्स डिसअपॉइंटेड, लिस्टर्स भी एकदम दुखी नहीं थे. एग्जैक्टली 9:38 PM हुआ होगा वापस से वही टाइम. द सरेंस फ्रेंडली वॉइस स्पोकन अगेन, वापस से एक आवाज़ आई, डू नॉट बी अफ्रेड, आई ओनली वॉन्ट टू कन्विंस यू डैट आई एम रियली आई एम अ गॉड एंड दैट आई एम विजिटिंग यू दिस वीक. यह बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कन्विंस करने के लिए आया हूँ कि मैं ही भगवान हूँ और मैं नेक्स्ट वीक तुमसे मिलने आ रहा हूँ. दिस टाइम डायरेक्शन फाइंडर अटैम्प्ट बाय द मीन्स ऑफ द रेडियो सिग्नल, और इस हिसाब से ये बारी जो मैसेज आया था वो रेडियो सिग्नल पे आया था. टू आइडेंटिफाई इट्स पोजीशंस व्हाइल द वॉइस वाज ऑन द एयर बट नो साइन ऑफ द ट्रिकरी वाज डिस्कवर्ड. सब लोगों ने, सब साइंटिस्ट ने ढूंढना शुरू कर दिया कि ये कौन से रेडियो वेव से आवाज़ आ रही है, क्या है, लेकिन सबको कुछ नहीं मिला. ऑन वेनसडे द न्यूज़पेपर डिवोटेड पेज आफ्टर पेज टू द वॉइस, और वेनसडे की न्यूज़पेपर पूरी ये वॉइस के बारे में छपी हुई थी. द एनमियस व्यूज ऑफ दो साइंटिस्ट हु कुड रीच फॉर द कमेंट, सम ऑफ देम सीम्स टू बी हाइडिंग, वॉज द वॉइस वॉज द मैंस. सारे साइंटिस्ट ने ये ढूंढने के लिए लगा दी कि ये जो अनजानी पहचानी आवाज़ है वो कौन है. कुछ लोगों ने क्लेम भी कर दिया ये किसी मैन की ही आवाज़ है. इफ इट वॉज एक्चुअली अ गॉड स्पीकिंग पॉइंटिंग आउट द प्रोफेसर्स ऑफ द लॉजिक, he would not find it necessary to use the radio. So यहाँ पे professors ने logically answer देते हुए कहा कि अगर वो probably भगवान है तो उनको radio का सहारा लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी, उन्होंने radio क्यों use किया अपना message पहुँचाने के लिए. Minister जो थे उनके town के, Gospel, were more reserved in the statement. उन्होंने अपने statement में reservedness रखते हुए बोला, even if the voice be a not a go lord, said the Anglican bishops, it reminds us of something too many of us forget. God is here with us. भले ये जो आवाज़ है वो भगवान की ना हो, लेकिन एक चीज़ है तो हमें रिमेंबर हो ही गई कि भगवान हमारे बीच में ही है और वो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं. वेनसडे इवनिंग प्रेयर मीटिंग्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स वर एंथुजियास्टिकली अटेंडेड. वेनसडे की जो इवनिंग प्रेयर थी सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अटेंड की. सारे चर्चेज में रेडियो इंस्टॉल किए गए कि शायद वापस से मैसेज आएगा. थर्ड अटरेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 words, और तीसरा मैसेज आया भगवान की तरफ से जिसमें 3 ही words थे. टू indignations of those who believe God must be sober and the funerals. The words were delivered with the fatally chuckles. They were, जो भगवान में believe करने थे उनके लिए ये बहुत ही important message था, और message कुछ इस हिसाब था, it is I. 3 alphabet का confusing message. Like the other, third message somehow creep into the coil. जो third message था वो थोड़ा coiling वाला था, मतलब confusing था. Condensers of the every radio transmitter in an operations, including those of the ship at the sea, that were designed for the code, did not have a microphone. और ये वहाँ पे भी सुनी गई जहाँ पे ship में, जहाँ पे microphones भी नहीं डाले गए हो, microphones भी नहीं डाले हो, वहाँ पे भी ये radio transmissions के through सुनी गई. This suggestions a possible answer to why the God was using the radio, और ये possible answer था कि भगवान radio क्यों use कर रहे थे. Pronouncement out of the empty sky might have caused panic. ये शायद सब लोगों ने excuse दिया कि शायद अगर हवा में से बोलेंगे तो सब डर जाएंगे कि ये आवाज़ किसकी है, इसीलिए शायद most probably भगवान ने radio use किया होगा. But people were used to hearing the voice on the radio. The Lord was being considered. So यहाँ पे बोल रहे कि भगवान को अगर सुनना है तो वो radio के इस्तेमाल कर सकते, इसीलिए शायद भगवान ने सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी यूज़ कर थोड़ा ह्यूमर यूज़ कर उन्होंने रेडियो यूज़ किया होगा. हिज नॉलेज ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी वॉज सुपर्ब. कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोलने लगे कि भगवान की साइकोलॉजी ह्यूमन के लिए बहुत ही जोरदार है कि ह्यूमंस घबरा नहीं जाए, इसीलिए भगवान ने ये जरिया यूज़ किया. दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग व्हेन वन कम्स टू थिंक ऑफ इट. द वर्ब ब्रीविटी ऑफ हिज इट इज़ आई मैसेज वेंट फार टूवर्ड्स कन्विंसिंग दोज हु हैड लाइकिंग फॉर द मॉडेस्टी एंड अंडरस्टैंडमेंट. और ये मैसेज सब लोगों को एकदम कन्फ्यूज करने वाला था, कुछ कुछ को ऐसे कन्विंस भी कर दिया कि शायद who had liking for the modesty and understandment. So शायद भगवान हमें समझना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उन्हें समझें. On Thursday, another device was employed. अभी थर्ड डे को उन्होंने दूसरा डिवाइस यूज़ किया. A display of the miracle for the ignorant and the superstition. Miracle occurred about 80 kilometer apart from about the globe. Globe से 80 kilometer तक दूर तक ये miracle हुआ था, जादू हुआ था. Most were the modest affair. Orange in the street market in then Wisconsin's roll up the wall
और जो ऑरेंज थे वो वॉल पे चिपक गए थे, स्पेल आउट द वर्ड, और उसकी वजह से एक वर्ड बन गए थे, एक मैसेज बन गया था. मैन आर माई सॉन, मैसेज कुछ इस हिसाब से था, मैन आर माई सॉन देयर फॉर ब्रदर. उन्होंने बोला कि जो ह्यूमंस है वो मेरे बच्चे हैं और मेरे भाई भी है, इन अ प्रिटी फ्रेम ऑफ पार्सली. उन्होंने ये एक अच्छे स्टेट में बताया हुए बोला. अ लायन इन देन कोपेनहेगन जू गॉट आउट ऑफ हिज केज एंड स्ट्रोल इन टू द कंट्री साइड्स अंटिल ही स्पाइड सम शिप इन देन फील्ड एंड डिलिबरेटली ले डाउन विद दैम. और यहाँ पे जो जू में जो लायन था वो वहाँ से कंट्री साइड से निकल गया, बाहर आ गया, एंड उसने एक शेड ले लिया एक शिप के साथ और वो वहीं पे लेट डाउन रह गया. इन अ पासडेना कैलिफोर्निया अ नर्वस वुमन हुज हस्बैंड ग्रेटेड हिज स्टीड हिज बैड लिफ्ट फ्रॉम देन ओरोयो सेको ब्रिज शी हैड रिमेन सस्पेंडेड इन एन मिड एयर फॉर द 45 मिनट्स अंटिल द फायर इंजन थ्रस्ट एन एक्सटेंशन लेडन अप टू हर. यहाँ पे बता रहे हैं कि दूसरा एक इवेंट भी हुआ पासडेना कैलिफोर्निया में. एक जो वुमन थी जो अपने हस्बैंड की जो दांत थे, उसके हस्बैंड के जो दांत थे वो वहीं पे वो बेड में ही रहे और वो ब्रीथ से लगभग उस तरफ आ गई, पिक्चर में दिख रहा होगा, नीचे गिर गई और लगभग 45 मिनट्स तक हवा में रही अंटिल द फायर इंजन थ्रस्ट द एक्सटेंशन लेडर अप टू हर. और फायर इंजन ने क्या किया, लेडर नीचे डाली उसको ऊपर लाने के लिए. सो ये सारे मिरेकल होने लगे. द लॉर्ड थर्सडे इवनिंग ब्रॉडकास्ट वॉज लेंथी एंड द थियोरेटिकल टॉन. जब थर्सडे की जो ब्रॉडकास्ट थी भगवान की वो थोड़ी लंबी थी और थियोरेटिकल थी थोड़ी. एवरी पेबल बीनेट योर फिट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज अ मिरेकल. उन्होंने बोला कि आपके पैर के नीचे जो भी पत्थर है, इवन ड्रॉप ऑफ पानी है, वो जादू है. बट सिंस यू हैव लॉस्ट योर एबिलिटी टू फील द ओ आई हैव हैड टू परफॉर्म टूडे दिस अदर मिरेकल्स. तुम लोग को ये पहचान कराने के लिए कि ये सारी चीज़ें तुम लोग के लिए एक सरप्राइजिंग होनी चाहिए, वो रियलाइज़ करने के लिए आज मैंने दूसरे जादू करे विच रिक्वायर अ सस्पेंशन ऑफ द नेचुरल लॉ, जो शो करता है नेचुरल लॉ. माई विलिंगनेस टू ब्रेक द लॉ शुड शो यू हाउ डीपली आई लव यू. और ये जो विलिंगनेस है, ये सारे लॉ जो मैं तुम्हारे तोड़ रहा हूँ, ये शो करता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहता हूँ ये सारी इंपॉर्टेंस जो तुम लोग वेस्ट कर रहे हो. फॉर इवन एंड देन Omnipotent's deities must limit his own power. तुम लोग को अपने powers को limit करना चाहिए. However, this will not convince the adherents जो believe करते नहीं है भगवान में, उन्होंने ये चीज़ों में believe नहीं किया. Hands on then more of Friday, I shall perform several sizable miracles. उन्होंने बोला मैं Friday को कुछ और छोटे छोटे miracles perform करने वाला हूँ फोर noon, दोपहर के बाद, and promptly at the noon. और नून के बाद लगभग नून पे ही आई शेल सिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. और मैं ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्टिनेंट है उसको डुबा देने वाला हूँ बिनेट द सी फॉर अ वन मिनट. और एक मिनट तक मैं ऑस्ट्रेलिया के सी को पूरा, जो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है उसको एक मिनट तक मैं सी के अंदर डुबा दूंगा. After the Thursday evening broadcast, disbelief melted away and people by the 10th of the millions become certain that the voice was a god. सब लोग थर्सडे तक तो कन्वींस हो गए कि ये भगवान की वॉइस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं. वर्चुअली द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड वॉज ट्रजिंग द रोड टूअर्ड द मैका और सब मुस्लिम मैका की तरफ भागे. फायर क्रैकर रेटल्स डे एंड नाइट इन द येल्लो लाइट. फायर क्रैकर जलाए गए डे और नाइट में येल्लो डस्ट ऑफ चाइना. मेम्बर ऑफ द लिटिल नो द सेक्ट इन दिन माउंटेन्स ऑफ द साउथ अमेरिका Ozark wraps themselves in the sheets and gather onto the hilltop to await the imminent end of the world. और कुछ कुछ जो अमेरिकन्स थे ओजैक, उन्होंने अपने आप को रैप किया, सब सामान लेकर वो दूसरे हिल टॉप्स पर चले गए. वो सोच ही रहे थे कि ये वर्ल्ड है उसका एंड ही होने वाला है. देन द ऑस्ट्रेलियन रेडियो स्टेशंस टुक ओवर द एयर. गॉड हैज चूजन द राइट कॉन्टिनेंट फॉर हिज फाइनल डेमोन्स्ट्रेशंस. ऑस्ट्रेलियन रेडियो पे अचानक से उनकी न्यूज़ आनी शुरू हो गई. सब लोग सोचने लगे कि जो गॉड ने है वो राइट कॉन्टिनेंट चूज़ किया है अपने फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए. पीपल ऑफ द अनदर कंट्री माइट हैव पुट ऑन द क्रेबल स्क्रैबल्स फॉर द रोबोट्स. कुछ कुछ जो है वो तो अपने रोबोट्स लेके चले जाते हैं शायद, इसलिए उन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया को चुना है. नॉट द ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे. द गुड ह्यूमर्स मेलबर्न अनाउंस ऑब्जर्वेशन. मेलबर्न ने अपना अनाउंसमेंट ऑब्जर्व करते हुए बोला, नोबडीज नर्वस और अलार्म. The general's attitude is that minute underwater can nobody's any harm and may do some of our citizens a lots of good. उन्होंने बोला एक मिनट हम लोग पानी में रहेंगे तो इससे हम लोग को कुछ नुकसान नहीं होगा और citizens के लिए अच्छा ही है. और यहाँ पे Melbourne के रेडियो में ये अनाउंस हुआ, arrangement were made for the glimpses to circle over the Melbourne or Sydney and transmitted a eyewitness account of the great flood too. और यहाँ पे मेलबर्न और सिडनी के आजूबाजू पूरा सर्कल क्रिएट गया, क्रिएट करा गया, जहाँ पे अरेंजमेंट बनाए गए हैं वह लाइफ बोट्स के, जिसमें डूबते टाइम लोग उसके अंदर सहारा ले पाए
और यहाँ पे आई विटनेस के सारे प्रूफ लगा दिए गए कि पहली बारी वर्ल्ड में पूरा ऑस्ट्रेलिया डूबने वाला है पानी के अंदर. दिस इज द ग्रेट फ्लड टू, जो भगवान का एग्जाम्पल होगा. गॉड हैड प्रॉमिस्ड अ साइजेबल मिरेकल फॉर द फ्राइडे फॉरनून एंड दे वर क्वाइट साइजेबल. इन द USA, every last bit of the metals owned by the army, navy, air force was gone from an accustomed place, and the whole used tonnage of its from then buckles to battleships was neatly cut into the scrap. Sab log ready ho gaye bhagwan ke ye miracle ke liye, aur sab ye actually dekhne jaye to sizable tha, to unhone isse sizable hi rakha. Sab alarm ho gaye, army, navy, air force, sab. By the mid morning, the other nations whose war potential was feared by the world had almost lost all the military equipment. Mid-morning तक तो सारे nations में war जैसा potential fear create हो गया कि शायद military equipment भी हमारे lost हो जाएंगे. All of the shining row of the Russian tank, planes, seas, guns were gone. और Russians की जो tanks थी, guns थी, वो भी सब गायब हो गई थी. In their place stood rank upon rank of a manure cart, each bearing a neat place card. And the quotation from the Lenin, peace, breed and land. और यहाँ पे एक लेनिन में quotations आ गया कि शांति रखो, खाना खाओ और लैंड है आपके पास. सब चीज़ें गायब हो गई. As for the protest meeting of then atheists in the New York, Bali had group of the demonstrators march into the Times Squares. Then the God turned every one of them into the angles. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जब प्रोटेस्ट हुआ न्यूयॉर्क में, एक जगह का नाम है दैट इज अटेंस्टेट्स, बाली हैड ग्रुप ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स, वो टाइम स्क्वायर के पास गए और जो भगवान थे, टर्न्स एवरी वन ऑफ देम इनटू द एंगल्स, और भगवान ने सबको एंगल में डाल दिया. आर्च स्वीपिंग स्विंग्स एंड द फेदर ऑफ द प्योरेस्ट वाइट ग्रू अब्रप्टली आउट ऑफ द शोल्डर्स, और सबके बाहर एक विंग्स जैसा बन गया जो एंजल्स को होता है वैसे. ओवर देयर हेड्स अपीयर्स द हैलोज ऑफ द ब्राइट गोल्ड, और उनके सिर पर ऐसे गोल्ड जैसा, ऐसे मुकुट जैसा होता है वो बन गया. एंड दे हैड अ फ्राइटनफुली एम्बेरसिंग टाइम ट्राइंग टू स्नेक अवे इन द टैक्सेस, और सब लोग फटाफट टैक्सेस के अंदर भागने की ट्राई कर रहे थे. द अनाउंसमेंट एंड द रिपोर्टर फ्लाइंग ओवर द ऑस्ट्रेलिया ग्रू ऑलमोस्ट इन कॉरेंट विद अटेंशन एज द सेकेंड हैंड ऑफ देयर वॉचेस स्वेप्ट अवे 11:58, 11:59, और सब जो रिपोर्टर्स थे, अनाउंसर्स थे, वो अपना कंटिन्यूसली वॉच देख रहे थे 11:58, 11:59, और फाइनली डॉट हो गए 12 बजे. द BBC मैन्स चैटेड अलोंग द कूलिंग एज इफ द डिस्क्राइबिंग द क्रिकेट मैच, जैसे क्रिकेट मैच में कैसे एक 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 मिनट्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वैसे डिस्क्राइब किया जा रहा था. एज प्रिडिक्टेड ही सेड द कॉन्टिनेंट इज नाउ सिंकिंग, जैसे प्रिडिक्शन किया गया था तो कॉन्टिनेंट अभी सिंक हो गया. द रेट इज क्वाइट रैपिड, और फटाफट डूब रहा था. एंड अबाउट दैट सब ऐसे भाग रहे थे, कुछ कुछ को विंग्स आ गए थे जो उड़ पाएंगे. ऑफ द मॉडर्न पैसेज लिफ्ट देर वॉज अ लास्ट चर्च टिपल्स हैज डिसअपियर, और जो लास्ट चर्च था वो भी डिसअपियर हो गया धीरे धीरे, सब पानी में जाने लगा. द वाटर इज एन एसवेल्स विद अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, और सब चीज़ों को ऐसे फ्लोट करने लगा पानी जो आ गया था. वाटर क्लटर्स पीपल्स डू किप्स अबाउट देयर हाउसेज, नाउ द हिल स्टॉप्स आर अंडर द वाटर फॉर द 50 seconds, हिल स्टिप्स भी 50 seconds के लिए अभी और पानी में रहेंगे. 55, यस, शी पॉपिंग अप अगेन, राइट ओ अप she comes. God, good old Australia's none has worse for her little drinking. और थोड़ी देर के बाद वापस से ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ गया, एक मिनट के बाद. लैंडिंग क्राफ्ट रेस फॉर द सोर्स, द इंस्टेंस देर वॉज अ सोर्स टू द रेस फॉर, और जो लैंडिंग क्राफ्ट थे लोगों को बचाने के लिए रेस लगा दी. द फर्स्ट सिटीजन टू बी रीच बाई द अनाउंसर्स कैरिंग द पोर्टेबल ट्रांसमिशन वॉज अ सर्टन कॉलोनियल हम्फेरीज अर्ब्रुटॉन्स DSC रिटायर. टेल द रेडियो अनाउंसर सर्स पेंटेड द अनाउंसमेंट, डिड यू रियली गो अंडर. और यहाँ पे जो पहले इंसान को बचाया उसका इंटरव्यू लिया गया कि बताओ कि कैसा लगा आपको, डिड यू रियली गो अंडर, आप अंदर गए थे? तो उसने बोला, आई एम ड्रीपिंग आरंट आई, मैं पूरा गीला हूँ, आपको दिख नहीं रहा है क्या? ट्रम्पेट द कॉर्नल्स एंड द बिस्टली ओशंस पोर राइट इन टू द रूम्स एंड आई सेज यू वुडंट हैव द ड्राई टॉवल्स वुड यू, आपके पास ड्राई टॉवल भी नहीं होगा अपने आपको पहुँचने के लिए. और मजाक करते हुए उनकी इंटरव्यू की, और पूरी जो धीरे धीरे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया पूरी पानी के अंदर चली गई. God's broadcast of the Friday evening was devoted to the picking up the loose end, और God ने जो broadcast किया था वो उसका end आ गया था अभी. Must my visit means that world is coming to end, उसका मतलब हो गया कि भगवान आने वाले, that means जो earth है उसका end होने वाला है. For heaven's sake listen to your soul, आपकी आत्मा की आवाज़ सुनो. Do as the bid you, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है वो कीजिए. और गुड नाइट कह के वो मैसेज ख़त्म हो जाता है फ्राइडे को भगवान का. सैटरडे वॉज बिजी डे, कॉन्साइसनेस लॉन्ग बरीड वॉज सेंडिंग अप द टेंडर ग्रीन स्टॉक्स टू लिप्स बल्ब. द डिक्टेटर्स ऑफ द हाफ डजन कंट्रीज रिजाइन, जो डिक्टेटर्स होते हैं उन्होंने हाफ ऑफ डजन, मतलब हाफ डजन मंथ्स, 12 के हाफ 6 लोगों ने तो रिजाइन कर दिया था. धीरे धीरे सैटरडे बहुत ही बिजी डे था, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे.
International backing cartels went out of business because it is their directors felt that their method never too admiring and had become unwelcome if not obsolete. Small businessmen by the hundreds of the thousands of experienced a similar change of the heart. One garage owner called his mechanical together and said, from now on, when we charge a customers for a new distribution coil and lets us actually put in the coil. यहाँ पे सब अपने अपने business के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े business, छोटे business के बारे में. छोटे business में यहाँ पे एक small businessman जो garage का काम करता है वो अपने mechanic को बुलवा के बोलता है कि अब भी जब भी customer आएंगे तो हम लोग उसके लिए नई distribution of coil के बारे में बात करेंगे. Let's us actually put in the coil और हम लोग actually coil रखेंगे. Lesser's mail factor spends a Saturday returning stolen books to the public library or kuch public library se book chori hone lagi, repaying old loans, sab purani loans pay karne lage, sending gifts to the forgotten aunts aur wo gifts send karne lage purane ladies ko, aunts ko, homes or so on. For 99% of the human race it was astounding. What a happy Friday, pleasant place the earth had become by the Saturday night. और सब ऐसे शांत हो गया था सैटरडे तक, क्योंकि भगवान ने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा और वो नेक्स्ट वीक आके चले गए. ये रियलाइज़ करने के लिए हम लोग कितना डैमेज कर रहे हैं अर्थ को, रियलाइज़ करने के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थ. द लॉर्ड सैटरडे इवनिंग ब्रॉडकास्ट वॉज हिज फेयरवेल, और जो सैटरडे की जो ब्रॉडकास्ट होने वाली थी वो उनका फेयरवेल था. अक्रॉस द होल द रेडियोज हम सब लोग ऐसे रेडियो पे चिपक गए थे देखने के लिए. देन देयर कम अ साइलेंस द ब्यूटीफुल वॉइस इट इज, और एक मैसेज आया और सब ऐसे सुन रहे थे. अब सब लोग सीरियस ले रहे थे जाते जाते टाइम भी. नाउ आई शेक आई शैल टेक माई लीव, मैं अभी जाना पसंद करूँगा. यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम रिमेन्स, आपकी मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम है अभी भी वही है. You still have a pain, unhappiness. आपके अंदर अभी भी दुख है, unhappiness है. You still need to be feed, to clothes, to govern yourself. आज भी आपके पास खाने की तंगी है, कपड़े नहीं है, govern करना है आपको. Need I tell you why? पता है क्यों? A planet is a school. ये planet है आपके लिए school है. Leave dear childrens, learn. आप जिए, सीखे. And now, until we meet again, goodbye. हम लोग दूसरी बारी मिलेंगे, तब तक मैं bye कहूँगा. On the seventh day, we presume he rested. और फिर seventh day, भगवान चले गए और आवाज़ stop हो गई. ये लिखी हुए जॉर्ज समर्स एल्ब्री ने. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.